सीधा बोल यार की कॉफी दे, अगर बिक जाएगा इसमें शेमड़ी। हेलो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वलीमा सेरेमनी। इससे पहले मैंने आपके साथ शादी शेयर की थी, जो कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स किए। तो आज मैं आपके साथ वलीमा भी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि लखनऊ की ये शादी बहुत अच्छी थी। और यहाँ पर मेरी सिस्टर को देख सकते हैं, तो ये दोनों सिस्टर हैं और वो जो छोटी सामने बैठी हैं तो इन्हीं के बेटे का वलीमा है। शादी तो आपके साथ मैं शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज मैं वलीमा शेयर कर रही हूँ। और इससे पहले मैंने अमीदाबाद का वीडियो अपलोड किया, आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया। और यहाँ पर देख सकते हैं खाना, तो खाने में पुलाव, जर्दा और नल्ली निहारी थी, कोरमा था और कबाब थे, शीरमाल थी और तंदूरी रोटी। तो ये कबाब हैं, ये सारा खाना था और बहुत खाना था, बहुत ज़्यादा खाना था और वेज खाना भी था। और ये तो खाना मैं आपके साथ कम शेयर कर रही हूँ, बाहर और खाना था। तो बाहर कॉफ़ी वगैरह थी और नूडल्स थे, पानी पूरी थी, बहुत सारा खाना था। लेकिन जो मैं अंदर मैंने देखा वो सारा खाना आपके साथ शेयर किया, लेकिन बहुत अच्छा खाना था। लेकिन हम लोगों का ये खाना खाकर तबीयत ख़राब हो रही थी। सो फ्रेंड, इस वजह से हम लोगों ने ये खाना बिल्कुल नहीं खाया, क्योंकि फर्स्ट डे में ही ये खाना खाकर तबीयत ख़राब हो गई थी। लेकिन जो हमने यहाँ पर खाना खाया था तो वो वेज खाना था। फ्रेंड, आप यहाँ पर देख सकते हैं दुल्हन को, और दुल्हन काफ़ी अच्छी है और देखने में भी अच्छी लग रही हैं। तो बस आप लोग हमारी ये ब्यूटीफुल दुल्हन को दुआएं दें। और आप लोग कमेंट करिए कि आपको मेरा ये वलीमा सेरेमनी कैसा लगा, और ये लखनऊ में था ये वलीमा। और यहाँ पर देख सकते हैं जो सिस्टर बैठी हैं, ये मुंबई की हैं और ये लखनऊ में रहती हैं, और इनकी शादी हुई है लखनऊ में, तो इन्हीं के बेटे का वलीमा है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो काफ़ी अच्छी शादी किया है, काफ़ी अच्छा वलीमा था। और यहाँ पर आप मुझे भी देख सकते हैं, और ये छोटी सी बच्ची, तो मैं बच्चियों को अपने कैमरे में ज़रूर लेती हूँ यादगार के लिए। और यहाँ पर काफ़ी अच्छा लग रहा था और रात का काफ़ी टाइम हो चुका है, तो यहाँ पर आप मुझे भी देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो शूट करने वाला कोई नहीं था, अकेले मैंने ये वीडियो शूट किया, कुछ मेरे भांजे ने शूट किया। और दुल्हन आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। और आने वाली वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है, और भी अच्छा अच्छा आपके साथ शेयर करेंगे। तो दुल्हन हमारे साथ भी एक फ़ोटो हमने इनके साथ क्लिक कराया यादगार के लिए, कि हम लखनऊ शादी में कब आए थे और कब ये शादी हमने की थी एंजॉय। तो यहाँ पर हमारी सिस्टर बैठी हुई हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था इस वलीमे में। और रात के कुछ ज़्यादा ही बज रहे थे, यानी कि 1 से 1.5 बज रहा है। ये छोटी बच्ची मेरे भाई की है, यानी मेरे जो मामू का लड़का है उसकी बेटी है। और यहाँ पर मेरे बेटे को भी देख सकते हैं, और ये मेरे भांजे का बेटा है छोटा, बहुत प्यारी प्यारी बातें करता है और बहुत अच्छी बात करता है,
इसके बहुत सारे वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी, इसकी बातों को जरूर शेयर करूंगी। और यहाँ पर ये दुल्हन और दूल्हा बैठे हुए हैं, तो ये मेरे भांजे हैं, मेरी सिस्टर के बेटे। ख़ास करके हम लोग यही शादी में आए थे। और यहाँ पर मेरी भतीजी है ब्लैक ड्रेस में, मेरे भाई की बेटी है। और यहाँ पर मेरी जो है बहन है, जो उन्हीं का बेटा है, यानी कि इनके दो बेटे हैं, दोनों भी ये बैठे हुए हैं। ब्लू शर्ट में भी इनका ये भाई है। तो जितने लोगों को मैं जानती हूँ उनको सबको मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो फ्रेंड, यहाँ पर आप आहान को भी देख सकते हैं, और बहुत मज़ा आया था यहाँ पर आकर, और यहाँ पर मुझे भी, और यहाँ पे मेरी सिस्टर, और यहाँ पे हमारी पूरी फैमिली, और यहाँ पे दुल्हन, यहाँ पर शानू और उनकी वाइफ, और यहाँ पर मेरा बेटा सैफ। तो ये लोग के वीडियो मैं निकाल रही थी, और बहुत अच्छे अच्छे वीडियो हमने बनाए यहाँ पर। और यहाँ पर शानू हमारा जो है वीडियो बना रहे हैं। मैंने सोचा मेरा भी कोई वीडियो बनाने वाला हो, मैं भी वीडियो बना रही थी, सैफ भी बना रहे थे, यानी मेरे छोटे बेटे। शाकिब तो आए नहीं थे वलीमे में, शाकिब उन्नाव में थे, और बहुत मज़ा आया था ये वलीमे में। और एक शादी आपके साथ और भी शेयर करेंगे, बहुत अच्छी शादी है, उस शादी का आप इंतज़ार करना। और आने वाले वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं, ये तो अच्छे मैंने शेयर किया ही है। और यहाँ पर शानू, शानू की वाइफ और मैं, तो हम सबको आप देख लीजिए। और यहाँ पर दूल्हा दुल्हन और उसकी उनके मम्मी पापा और उनका भाई, यानी कि इनकी इतने लोगों की फैमिली है, ये पूरी फैमिली यहाँ पर कंप्लीट है। और यहाँ पर आप मुझे भी दुल्हन और दूल्हे के साथ देख सकते हैं। तो बहुत अच्छी शादी की है। और यहाँ पे मेरी सबसे बड़ी सिस्टर मेरी जो है मुंबई से ही आई हैं, और दुल्हन दूल्हा को आप देख सकते हैं। तो ये सारे वीडियोज़ मैंने इस वजह से बनाए हैं, यादगार के लिए। और यहाँ पर मेरी सिस्टर की बहू जो मुंबई से आई हैं, ये भी मुंबई से ही आई हैं। तो ये सब लोग यहाँ पर एक साथ फ़ोटो हम लोगों ने क्लिक करवाए, यानी वीडियो भी बना है और फ़ोटो भी बने हैं। तो बस इस तरीके से ये व्लॉग आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट्स में लिखिएगा। और यहाँ पर आप मुझे भी देख सकते हैं। सैफ मेरा छोटा वाला बेटा चला गया था बाहर, और वो बाहर ही था तो कोई वीडियो बनाने वाला नहीं था, तो मैंने थोड़े वीडियो बनाए। यहाँ पर देख सकते हैं हॉल काफ़ी बड़ा था, काफ़ी अच्छा हॉल था, और काफ़ी लोग आए थे, काफ़ी मज़ा आया था। और यहाँ पर मेरे भांजे की वाइफ और मुझे देख सकते हैं। तो बस इस तरीके से आप लोग मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पर आ गए थे दुल्हन के घर वाले, तो ये सारा सामान वगैरह लेकर आए थे दुल्हन के घर वाले। और ये सामान देना ज़रूरी होता होगा, इसी वजह से शायद लेकर ये लोग आए हैं, क्योंकि जाया जब दुल्हन के घर ससुराल जाया जाता है तो सामान लेके जाना पड़ता है। तो यहाँ पे दूल्हे की जो है भाभी है ये, यानी कि दुल्हन की भाभी। और यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची देख सकते हैं, तो ये मेरे भतीजी की बेटी है। और यहाँ पर आप लोग सभी लोगों को देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगा करें तो लाइक ज़रूर किया करें। यहाँ पर मेरा भांजा है, और ये भांजे का बेटा बहुत ज़्यादा अच्छी बातें करता है। और यहाँ पर सभी लोगों को आप देख लीजिए, खाना वगैरह खा रहे हैं। तो इस तरीके से सारे लोग आए, और आने वाले वीडियो बहुत अच्छे होंगे। तो एक शादी बहुत ज़्यादा स्पेशल होगी। और यहाँ पे सबा को भी देख सकते हैं। तो हम लोगों ने वाला खाना नहीं खाया था, हम लोगों ने खाना खाया था वेज, और वेज खाने में मटर पनीर पूरी सब्जी बहुत सारा खाना था। और यहाँ पर शादी हो गई है, वलीमा हो गया ख़त्म, और हम बाहर जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी, क्योंकि
क्योंकि कपड़े इतने मोटे होने की वजह से हमें ठंडी नहीं लग रही थी। और ये बच्चे की बातें देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये लोग जा रहे हैं। और ये हॉल बहुत अच्छा था, काफ़ी बड़ा हॉल था और काफ़ी अच्छी ये काफ़ी अच्छा ये वलीमा हुआ। और यहाँ पर ये लोग भी जा रहे हैं, मेरा भांजा और उनकी वाइफ। और यहाँ पे हम लोग को देख सकते हैं, हम लोग बाहर आ गए थे, अब हम लोग भी अपनी गाड़ी में जाएंगे। तो ये वीडियो अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आपके साथ शेयर करते रहेंगे और नेक्स्ट वीडियो करें इंतज़ार। और स्पेशल शादी का तो बिल्कुल इंतज़ार आप करें। और यहाँ पर सभी लोग, हम बाहर खड़े हुए हैं, रात के 2 से 2:30 बज रहे होंगे, इससे ज़्यादा ही टाइम हो रहा होगा। और यहाँ पर मेरा छोटा बेटा और भांजा। तो इस तरीके से ये मेरा वलीमा कैसा आपको लगा ज़रूर बताइएगा। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।